विपिन उस आवाज को सुनने के बाद में जल्दी उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है। वह अभी सीधा यहाँ पर पहाड़ की तलहटी के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर उसको देख रहा था कि चार राक्षस वहाँ पर खड़े हुए थे। उनमें से जो एक राक्षस था ना, वह यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर था, और बाकी जो तीन राक्षस थे ना, वह यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 1 के ऊपर ही थे। उसे ना तो ऊपर थे ना ज्यादा नीचे थे, वास्तव में वह तीनों ही तीनों उस बड़े से बहुत ज्यादा ही डरे हुए से लग रहे थे। और विपिन देख पा रहा था कि उनके सामने कोई फॉर्मेशन जैसी कोई चीज लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो वो फॉर्मेशन लगी हुई थी ना, वह देखने से बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी, और वहाँ पर वह चारों चारों उसी चारों तरफ खड़े हुए थे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल राक्षस था ना, वह उन्हें देख रहा था, और यहाँ पर उसको नजर को देखने के बाद में जो वहाँ के तीनों राक्षस थे ना, वो पूरी तरह से डरे हुए थे। वास्तव में उनको बहुत ज्यादा डर सा लग रहा था। ये वही था जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर चिल्लाया था ना, जल्दी करो, और जिसके पीछे विपिन यहाँ पर आया था, वो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल राक्षस था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक राक्षस कहता है, कमांडर कमांडर हमें माफ करिएगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अभी जो ये फॉर्मेशन ना, ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसी वजह से शायद हम इसको यहाँ पर शायद ही चालू कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, वास्तव में हमें नहीं पता है कि यहाँ पर ये तैयार भी हो सकती है या नहीं हो सकती। बेवकूफ, क्या बोला मैंने, अगर तुमने यहाँ पर अभी इसको स्टार्ट नहीं किया ना, तो उसके बाद में मैं तुम्हें मार डालूंगा, यहाँ पर उस बड़े वाले राक्षस ने उससे कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में एक राक्षस की पूरी तरह फटकर चार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था सुविधा का ना मिला ना, तो सिलने के लिए यहाँ पर किसी और चीज का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है कमांडर, मैं ट्राई कर देखता हूँ, यहाँ पर वह डरते हुए कहता है। उसके साथ में एक राक्षस आगे बढ़ता है, और वह जल्दी उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार उस फॉर्मेशन के अंदर जान आने लगती है। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर उस राक्षस की एनर्जी पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखते हुए कि उसका वह दोस्त पूरी तरह से यहाँ पर मरने के कगार पर पहुंच चुका है, तो उसके साथ में दो राक्षस और आगे बढ़ते हैं, और वह कहते हैं, ठीक है हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। जल्दी यहाँ पर अब वह दोनों भी उसके अंदर एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों की एनर्जी उसके अंदर जाती है, वैसे उनका चेहरा भी पूरी तरह से पीला लाल हो चुका होता है। लेकिन अगले पल वैंग, एक जोरदार रोशनी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलती है, और वहाँ पर एक दरवाजा खुलकर आ जाता है, जिसके बाद में वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर वह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। चलो बहुत अच्छा। इतना कहने के साथ में जो कमांडर था, जो उनके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल था, वह अब आगे की तरफ बढ़ जाता है, और वह उन सभी से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना यहाँ पर। उसके साथ में वो वहाँ से गायब हो जाता है, और जल्दी यहाँ पर जो फर्स्ट वाला राक्षस था जो उसके अंदर एनर्जी डाल रहा था, वह अगले पल वहाँ पर गिर पड़ते हैं। उफ, आखिरकार कमांडर सुधर यहाँ से चले गए हैं, वरना हमारे तो यहाँ पर लंका लग जानी थी, अगर थोड़ी देर और वह यहाँ पर रुक जाते तो। उन तीनों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, अगर थोड़ी देर वहाँ पर उन फॉर्मेशन को और एक्टिवेट करके रखा जाता ना, तो उसके बाद में उनकी वहीं पर ही लंका लग जाती, शायद उनके अंदर से एक एक बूंद कर सारी सारी एनर्जी निचोड़ ली जाती। जब बस तीनों ही तीनों वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे और बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे थे, कि अचानक से एक आवाज सुनाई देने लगती है, ओहो क्या कर रहे हो तीनों ही तीनों, चलो जल्दी से फॉर्मेशन चलाओ, मुझे भी वहाँ पर जाना है जहाँ पर अभी अभी कमांडर सुधीर गए हैं। वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर तीनों ही तीनों पीछे पलटकर देखते हैं, क्या कमांडर समर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर वह तीनों ही तीनों पूरी तरह से चौंक चुके थे। यहाँ पर बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि जो कमांडर समर था वह कोई और नहीं था, वह अपना तबाही का देवता विपिन था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन देख पा रहा था कि अभी जो कमांडर सुधीर था, वह कोई नॉर्मल जगह पे नहीं जा रहा था, वह कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ पर वह जाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से विपिन ने सोचा कि उसको भी वहाँ पर जाना चाहिए, शायद क्या पता वहाँ जाकर उसको कुछ और भी मदद मिल जाए, इसी वजह से वो उस सकता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में तीनों चौंक जाते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आप भी वहाँ पर हजार सागर की झील के अंदर जाना चाहते हैं। तीनों पूरी तरह से रोने के कगार पर पहुंच चुके थे। वास्तव में अभी उन तीनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, और अभी यहाँ पर एक और कमांडर आ गया था रोते रोते कि हमें वहाँ पर भेजो। अरे क्या ये हलवा वलवा थोड़ी ना है, अरे एनर्जी है एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर ऐसे तो ना आ जाती तुम्हारे जैसे, अरे हमारे पास में कोई साधन वाधन भी नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसा कुछ कर सके नहीं, लेकिन इन लोगों को जाना है वहाँ पर। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक राक्षस को कुछ याद आता है, और वो कहता है, कमांडर समर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो यहाँ पर एक दूसरी रिवर स्टार
गैलरी के अंदर भेजा गया था। आखिरकार आप वहाँ से यहाँ पर कैसे भाग आए हैं? वास्तव में सभी को यहाँ पर अलग अलग जगह को कमांड दी गई थी और इनको यहाँ पर रिवर स्टार गैलरी के अंदर भेजा गया था। वही उसकी आवाज सुनने के बाद विपिन मन ही मन में सोचने लगता है, क्या रिवर स्टार गैलरी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मनुष्य और यहाँ पर जो राक्षस है इनके लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पर वह शेंकल बेली की गैलरी थी तो इस तरफ यहाँ पर उसे रिवर स्टार गैलरी कहा जाता है। तो वही दूसरी तरफ उसने कहा, अरे मैंने यहाँ पर सारा काम खत्म कर लिया है, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर 1000 जेड लिफ्ट के अंदर चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाकर मेरे को कुछ और काम भी देखने हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊँ कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है? नहीं कमांडर, नहीं, हमारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आपके ऊपर किसी तरह का सवाल उठाए। उसके साथ में यहाँ पर अब वो तीनों ही तीनों फिर से काम के अंदर लग जाते हैं। वो जानते थे कि अगर उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया तो उन्हें शायद यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उनसे पूछता है, आखिरकार तुम ये बताओ कि जहाँ पर वो गए हैं 1000 जेड लिफ्ट के अंदर वहाँ पर क्या चल रहा है? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी इन्होंने कहा ना कि अभी वो रिवर स्टार गैलरी के अंदर से आए थे, यानी कि जिस गैलरी के अंदर वो था समर, वहाँ पर वो उसका नाम रखा गया था। तो शायद यहाँ पर जो 1000 जेड है ना, वो भी यहाँ पर एक दूसरी गैलरी का नाम वाम होगा। शायद वहाँ पर भी कोई इसी तरह से मिशन चल रहा होगा। पर इस वक्त विपिन वहाँ पर जाना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि वहाँ जाने के साथ में क्या पता वहाँ के भी राक्षसों को वो कम कर दे, जिसके बाद में ऊपर के सभी इंसानों की मदद हो जाए, ताकि यहाँ पर उनके ऊपर जो हमला है वह रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक राक्षस कहता है, कमांडर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर सभी जमा हो रहे हैं और वहाँ जल्द ही एक बड़ा हमला जारी करने वाले हैं। जैसे वहाँ पर उस राक्षस ने वो बात कही, वही विपिन पूरी तरह से हैरान परेशान था, क्या कह रहे हो, क्या वास्तव में यहाँ पर जल्द ही वह हमला करना शुरू करने वाले हैं? लेकिन अचानक से विपिन को एक और झटका लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अभी ये 1000 जेड बात कर रहे हैं, ये कोई गैलरी वैलरी नहीं है, शायद ये एक कोई जगह है जहाँ से इन्होंने यहाँ पर अपनी सेना को तैयार कर रखा हुआ होगा और वहीं पर ही शायद ये सारे राक्षस जमा कर रहे होंगे। वहीं दूसरे राक्षस ने कहा, हाँ वहाँ पर है ना सभी राक्षसों को बुलाया जा रहा है, हमारे सभी सेनाओं को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो जल्द ही वहाँ पर अटैक करने जा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर पीछे सभी रिजर्व किए हुए राक्षसों को भी रखा गया है। तो वही विपिन ने पूछा, हाँ अच्छा तुम ये बताओ कि आखिरकार अभी उस जगह पर कितने सारे राक्षस इकट्ठा हो गए होंगे? तो वही दूसरी तरफ एक राक्षस कहता है, अच्छा मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी तक वहाँ कम से कम 1,00,000 राक्षस इकट्ठा हो चुके होंगे। क्या 1,00,000? लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन वो बात सुनता है तो उसके साथ में उसके रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अब पागल होने के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये 1,00,000 राक्षस कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार अगर 1,00,000 राक्षसों ने सीधा उनके ऊपर अटैक कर दिया होता तो उसके बाद में तो उनकी टाइटाई फीस हो जानी थी, कि 1,00,000 राक्षसों का सामना तो यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन भी बिल्कुल नहीं कर पाता। लेकिन एक मिनट, इन्होंने क्या कहा कि सभी राक्षस वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर 108 गैलरी के अंदर अलग अलग जगह पर अटैक नहीं किया जा रहा है, अभी वह सभी एक ही जगह पर जाकर अटैक करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ में विपिन थोड़ा सा राहत की सांस भी लेता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर सारे सैनिक पूरी तरह से तितर बितर हो चुके थे और इस जगह पर यहाँ पर 1,00,000 राक्षसों को एक साथ इकट्ठा करना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। उसके साथ में यहाँ पर अभी एक राक्षस कहता है, आपको पता है कि हमारे दो जो हाई कमांडर्स हैं भूषण और रियाज, वो दोनों ही दोनों एक साथ मिलकर वहाँ पर बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर एक साथ अटैक करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अचानक से एक राक्षस बोलते बोलते वहीं पर रुक जाता है, नहीं ये कुछ गलत है। वहाँ पर वह अचानक से रुकता है और सामने देखने लगता है। वह कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर ये हमारे कमांडर हैं तो इनको वहाँ की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो आखिरकार ये हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर जो बाकी के दोनों राक्षस थे ना, वो भी वहाँ पर जल्दी से डिफेंस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाता है कि अभी उनका वह दोस्त उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वहीं जिससे पहले यहाँ पर वो कुछ समझ पाते, वहीं दूसरी तरफ विपिन समझ गया था कि अभी उसका भंडा वहाँ पर फूट चुका है और इसी वजह से यहाँ पर फालतू में वह इस चीज को आगे नहीं खींचना चाह रहा था। विपिन जल्दी अपने चेहरे के ऊपर एक जोरदार मुस्कान ले आता है।
और अगले पल यहाँ पर जो तीनों की तीनों राक्षस थे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँच पाते कि अचानक से एक राक्षस के ऊपर एक जोरदार मीटर आगे गिरता है। वो टूटी फूटी ईंट थी। बूम, अगले पल एक राक्षस का वहाँ पर तमाम हो